Good morning everyone. Myself Salim Sheikh, and today we'll be discussing about Maharashtra Board Standard 9th Laws of Motion. Alright, so before actually coming to laws of motion, let us go and understand what do we mean by motion. Motion ka pele So what is motion? Whenever एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी वेन एवर एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्सराउंडिंग वी से डेट डैट ऑब्जेक्ट दैट बॉडी इज इन मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपने पोजिशन को चेंज करे अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तब हम ये कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो बॉडी है वो बॉडी मोशन में है करेक्ट सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surrounding we say that the object that the body is in motion am i clear with that so uh, there is a question for you can you tell in which of the following example in which of the following example you can sense that there is motion okay the first is uh, the flight of a bird a uh, stationary train

बर्ड अपना पोजिशन चेंज करेगा अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो क्या हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मोशन का एग्जाम्पल है जी बिल्कुल जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मोशन का एग्जाम्पल है देन वी कैन सेट डेट बर्ड इज इन मोशन ऑल राइट एंड स्टेशनरी ट्रेन स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ तो ट्रेन रुका है इसका मतलब क्या हुआ जो ऑब्जेक्ट है ट्रेन वो ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन को अपने रिस्पेक्ट्स के Uh, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं कर रहा है देन वी कैन से डेट द स्टेशनरी ट्रेन इज नॉट इन मोशन बराबर ये स्टेशनरी है रुका हुआ है रेस्ट पर है ये मोशन का एग्जाम्पल नहीं है ऑल राइट देन वी हैव लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर हवा है ब्रीज है तो ब्रीज इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल हवा एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिसको जो मोशन में होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते बराबर इनविजिबल मोशन अगर किसी चीज़ का है वो एग्जाम्पल हवा है तो हवा इटसेल्फ सेल्फ इज इन मोशन तो हवे में अगर कोई भी चीज़ उड़ेगा उसके साथ तो वो चीज भी किस में आ जाएगा वो खुद मोशन में आ जाएगा तो लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन बिकॉज दीज लीव्स आर चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑल राइट देन वी हैव अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल एक पत्थर हिल पर पड़ा है बराबर ऑल राइट इट शुड नॉट चेंज इट्स पोजिशन अगर वो चेंज कर जाएगा तो कुछ ना कुछ uh, नुकसान कर जाएगा तो uh, ये जो है इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इथ सराउंडिंग देन वी कैन से डैट दिस स्टोन इज नॉट इन मोशन ऑल राइट सो मोशन इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओके लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ मोशन सो एज वी डिस्कस्ड

एक ट्रेन है जो पास हो रहा है और ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स हैं बराबर और इस ट्रेन को मैं बाहर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको पास होते हुए तो ये ट्रेन चल रहा है विथ सडन स्पीड जो भी है अब क्या होगा ये ट्रेन जो चल रहा है तो मोशन का जो मैंने कंसेप्ट समझा है उसके हिसाब से ये ट्रेन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो मैं कहूँगा भाई ट्रेन इज़ इन मोशन बराबर है अब ट्रेन इज इन मोशन अब देखो ये चीज़ कैसे चेंज होता है अब आप खुद ट्रेन में हो आप खुद ट्रेन में हो बराबर आस पास के जो झाड़े हैं आस पास का जो स्टेशन है जब ट्रेन चलता है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग भागते दिखाई देंगे बराबर इट विल बी विजिबल डेट द ट्रीज ऑन द साइड ऑफ द रेल्स एमए राइट द स्टेशन विच कम्स ये सब अपेयर होंगे कि ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं बराबर उसके उल्टा डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं आ रही बात समझ में तो उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्वर पहले कहाँ था ऑब्जर्वर बाहर था तो उसके लिए ट्रेन मोशन में था अब जब ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो उसके लिए जो बाहर का सराउंडिंग है वो मोशन में है बराबर तो जैसे ही ऑब्जर्वर का पॉइंट बदला ऑब्जर्वेशन का रेफरेंस पॉइंट बदला ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरेंस कंसेप्ट बराबर तो जैसे ही रेफरेंस पॉइंट बदला वैसे ही मोशन के कंडीशंस बदल गए तो पहले जब हम ट्रेन के बाहर थे तो हमारे लिए ट्रेन जो मूव हो रहा था वो मोशन में था अब जब हम ट्रेन के अंदर हैं तो हमारे लिए जो सराउंडिंग है उसके बराबर आसपास के जो बिल्डिंग है जो अगर दिखाई देते हो या ट्रेन हो दिखाई देते हो या स्टेशनरी लोग हो या स्टेशनरी दुकानें हो ये सब लगेगा कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं हमारे विपरीत डायरेक्शन में भाग रहे हैं बराबर तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम अगर हम जो हमारे फेलो पैसेंजर्स हैं अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वेन वी आर अगोट टू तो ऑब्जर्व आवर फेलो पैसेंजर्स बराबर हमको ये रियलाइज़ होगा भाई ये तो मोशन में ही नहीं ये सब रेस्ट पर है बराबर वैसे भी जब ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो वहां पर जब सब बैठे हैं तो अपने पोजिशन को अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से चेंज कर नहीं रहे हैं बराबर तो हम क्या कहेंगे कि फेलो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं तो आपने क्या देखा इसमें कि मोशन जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है ऑब्जर्वर कहाँ पर है तो जब ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर था तो ट्रेन मोशन में था जब ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो बाहर का सराउंडिंग मोशन में है बराबर और जब ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है तो जो फेलो पैसेंजर्स हैं एक दूसरे के लिए वो क्या है रेस्ट पर है डेट इज वाई डेट इज वाई डेट दैट अ मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट सो यू डोंट फोरगेट दैट बराबर इट हैज बीन मैंशनड अ मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्टर इट इज मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट ओके सो इफ द पोजिशन एज वी हैव सीन डेट इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इथ सराउंडन इट इज सेट टू बी इन मोशन दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ मोशन विच वी है डन अर्र अदरवाइज इट इज सेट टू बी एट रेस्ट ठीक है अब जो मोशन है वो कुछ फैक्टर्स पर जैसे ही मोशन आएगा कुछ और चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उन चीज़ों पर होगा बराबर जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है